हेलो स्टूडेंट्स क्लास ट्वेल्थ अकाउंटेंसी चैप्टर अंशों का हरण एवं पुनर्निर्गमन फोर फीचर एंड इशू ऑफ शेयर्स नेक्स्ट सम में रीड कर रही हूँ आप ध्यान दीजिए एक कंपनी ने सौ रुपये वाले तीस अंशों का हरण किया जिन पर अस्सी रुपये प्रति अंश मांगा गया था इन पर एक्स ने प्रार्थना पत्र एवं आवंटन का साठ रुपये प्रति अंश दे दिया था इनमें से पच्चीस अंशों को वाय को सत्तर रुपये प्रति अंश की दर से पूर्ण रूप में पुनर्निर्गमन कर दिया गया आवश्यक रोजानमचा प्रविष्टियाँ कीजिए फोर फीटेड थर्टी शेयर्स ऑफ रुपीज हंड्रेड ईच रुपीज एटी पर शेयर कॉल्ड अप ऑन विच एक्स हेड पेड एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी ऑफ रुपीज सिक्सटी पर शेयर ऑफ दिस ट्वेंटी shares were reissued to Y as fully paid up for rupees रुपीज़ per share. Pass necessary journal entries. एंट्रीज इन दिस easy सम है हमें ये बोला है कि एक्स जो एक शेयर होल्डर है उसके पास हंड्रेड रुपीज़ वाले थर्टी शेयर्स है जिन पर एटी रुपीज़ कॉल कर लिया गया है एटी uh, रुपीज़ कॉल किया गया है दैट मीन्स फोर फीचर की एंट्री करते टाइम हम एटी रुपीज़ को कंसिडर करेंगे तो एटी इंटू थर्टी इस टाइप से हम एंट्री पास करेंगे दैन आउट uh, ऑफ uh, एटी रुपीज़ सिक्सटी रुपीज़ एप्लीकेशन एंड अलाटमेंट के पे कर दिए हैं तो शेयर फोरफिटेड अकाउंट में ये सिक्सटी इंटू थर्टी आएगा एंड ट्वेंटी रुपीज़ से फर्स्ट कॉल को हम क्रेडिट करेंगे ठीक है देन इन आउट ऑफ दिस थर्टी शेयर्स ट्वेंटी फाइव शेयर्स जो हैं वो री इशू कर दिए गए हैं वाई को सेवेंटी रुपीज़ पर शेयर के अकॉर्डिंग फुल्ली पेड अप के रूप में दैट मीन्स हंड्रेड रुपीज़ पर शेयर वाले शेयर्स को सेवेंटी रुपीज़ में सेल कर दिया है री इशू किया है इट मीन्स थर्टी रुपीज़ डिस्काउंट इन्वॉल्व है इधर ओके okay? तो वी हैव टू पास एंट्री रिगार्डिंग फोर फीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स एंड ऑल्सो ट्रांसफर ऑफ शेयर फॉरफिटेड अकाउंट इन कैपिटल रिजर्व ठीक है तो चलते हैं हम सोल्यूशन की तरफ फर्स्ट एंट्री विल बी फॉर फोर फीचर ऑफ शेयर्स तो एंट्री कर लेते हैं पहले हम शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट टू शेयर फोर फीचर अकाउंट फॉर थर्टी शेयर्स फोर फीटेड ऑन विच फर्स्ट कॉल मनी वॉज ड्यू एज़ आई टोल्ड यू दैट एट द टाइम ऑफ फोर फीचर ऑफ शेयर्स हम जितना कॉल्ड अप मनी है उसको कंसिडर करते हैं टोटल कॉस्ट को कंसिडर नहीं करते हैं तो फोर uh, फीचर के टाइम तक ओनली एटी रुपीज़ कॉल किए गए हैं टोटल हंड्रेड में से डेट्स वाई हम शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे एटी रुपीज़ पर शेयर के अकॉर्डिंग यानी थर्टी इंटू एट ज़ीरो एटी तो ये हो जाएगा टू थाउजेंड फोर हंड्रेड शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट में देन टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट एटी रुपीज़ में से सिक्सटी रुपीज़ पे कर चुका है एक्स यानी ट्वेंटी रुपीज रिमेनिंग है शेयर फर्स्ट कॉल का तो uh, थर्टी इंटू ट्वेंटी सिक्स हंड्रेड रुपीज़ आ जाएगा शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट में आफ्टर दैट नेक्स्ट शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट सिक्सटी रुपीज़ रिसीव हुए हैं टोटल तो थर्टी इंटू सिक्सटी वन थाउजेंड एट हंड्रेड रुपीज़ हो जाएगा ठीक है तो ये तो हो गई हमारी फर्स्ट एंट्री नाउ नेक्स्ट एंट्री इज फॉर री इशू ऑफ शेयर्स सो री इशू की कंडीशन हमें बताई है कि आउट ऑफ दैट थर्टी शेयर्स ट्वेंटी फाइव शेयर्स जो हैं वो रीइू किए हैं बाय को ट्वेंटी फ़ाइव रुपीज़ पर शेयर के अकॉर्डिंग ओके सो वो भी फुल्ली पेड अप दैट मीन्स हंड्रेड रुपीज़ पर शेयर जो है उन्हें सेवेंटी रुपीज़ पर शेयर पे सेल किया है री इशू किया है दैट मीन्स थर्टी रुपीज़ यहाँ डिस्काउंट का आ जाएगा ओके okay. तो, तो पहले हम एंट्री कर लेते हैं बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट फॉर फोर फिटेड शेयर्स री इशूड ओके तो यहाँ बैंक अकाउंट डेबिट में आ जाएगा वो अमाउंट जो रिसीव हुआ है ट्वेंटी फाइव इंटू सेवेंटी दैट मीन्स वन थाउजेंड सेवन हंड्रेड फिफ्टी रुपीज देन शेयर प्रोफिटेड अकाउंट डेबिट इसमें आएगा अमाउंट देखो हंड्रेड रुपीज़ टोटल अमाउंट है सेवेंटी रुपीज़ री पे इशू किया है देट मीनस थर्टी रुपीज़ जो है वो हो जाएगा डिस्काउंट तो ट्वेंटी फाइव इंटू थर्टी ये हो जाएगा सेवन हंड्रेड फिफ्टी रुपीज़ एंड टू शेयर कैपिटल अकाउंट ट्वेंटी फाइव इंटू हंड्रेड तो टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड रुपीज आ जाएगा शेयर कैपिटल अकाउंट में ओके okay? तो ये दोनों एंट्रीज हुई हमारी आ, फोर फीचर एंड री इशू की नाउ शेयर फोरफिटेड अकाउंट का अमाउंट जो है वो हमें कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना है बट हमें प्रोपोर्शनेट अमाउंट फाइंड आउट करना होगा बिकॉज शेयर फोरफिटेड अकाउंट को हमने पहले थर्टी रुपीस पर शेयर सॉरी थर्टी शेयर्स के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड uh, किया था बट हियर शेयर्स आर री इशूड ओनली ट्वेंटी फाइव शेयर्स आर री इशूड सो हमें प्रोपोर्शनेट अमाउंट कैलकुलेट करना पड़ेगा ओके okay, सो so हम कैलकुलेट कर लेते हैं कैपिटल रिजर्व का प्रोपोर्शनेट अमाउंट थर्टी रुपी थर्टी शेयर्स कंडीशन में शेयर फोरफिटेड का अमाउंट था वन थाउजेंड एट हंड्रेड तो ट्वेंटी फाइव शेयर्स के अकॉर्डिंग कितना होगा सो so, हम इसे कैलकुलेट करके तो प्रपोर्शनेट uh, अमाउंट निकलेगा वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड ओके अब इस वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड में से हम माइनस करेंगे डिस्काउंट का अमाउंट री इशू के टाइम देखिए हमने एंट्री की है बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल तो, तो डिस्काउंट का अमाउंट सेवन फिफ्टी हम फिफ्टीन हंड्रेड में से माइनस करेंगे तो रिमेनिंग बचेगा अगेन सेवन हंड्रेड फिफ्टी रुपीज़ सो शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू तो कैपिटल रिजर्व इसमें अमाउंट आ जाएगा सेवन हंड्रेड फिफ्टी रुपीज़ नरेशन फॉर प्रोपोर्शनेट अमाउंट आफ्टर एडजस्टमेंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट ओके सो होप सो आपको ये सम एंड कैलकुलेशन ये सब समझ में आया होगा थैंक यू